हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पफ सपोर्ट की डेंसिटी कैसे मेज़र करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आपको देखा होगा कि कोई भी इंडस्ट्री रहती है जिसमें इंसुलेटर लाइन रहती है, उसके सपोर्ट के लिए पफ सपोर्ट यूज़ होता है। अगर पफ सपोर्ट यूज़ नहीं करेंगे तो इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा जिस जगह पे वो रेस्टिंग हुआ है, तो उसकी उसके लिए पफ सपोर्ट यूज़ होता है जहाँ पर हमको पाइप को रखने का है। अभी डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी है कि मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, मतलब कि पफ सपोर्ट का वॉल्यूम वेट कितना है उसके डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम से डिवाइड करने का है, तो अपने को डेंसिटी मिलेगी। पफ सपोर्ट का फुल नेम, पफ को पॉलीयुरेथेन फोम बोले जाते हैं, जो प्री इंसुलेटेड पाइप का सपोर्ट की तरह के यूज़ होता है और काफ़ी जगह पे रेडीमेड मिलता है पाइप, प्री इंसुलेटेड पाइप सेक्शन। हायर डेंसिटी पफ सपोर्ट रिक्वायर फॉर टू सस्टेन लोड ऑफ पाइप, अपना जो पाइप जहाँ पे रेस्टिंग करना है उसमें हायर डेंसिटी का पफ यूज़ कर किया जाता है। अगर लो डेंसिटी का पफ सपोर्ट यूज़ करेंगे तो लाइन के वेट से वो पफ सपोर्ट कॉम्प्रेस हो जाएगा। अभी उसकी डेंसिटी को कैसे मेज़र करते हैं? डेंसिटी मेज़र करने के लिए पफ सपोर्ट का जो रहता है उसका पूरा वॉल्यूम निकाला जाता है, और जितनी साइज़ का पफ सपोर्ट है वो पाइप का वॉल्यूम निकाल के उसको हाफ करके उसमें से माइनस किया जाता है, और जो वेट रहता है उसके डिवाइड बाय वॉल्यूम करके उसका डेंसिटी निकाला जाता है। इधर आप देख सकते हो कि पूरा क्यूब का वॉल्यूम निकाला, बाद में पाइप का वॉल्यूम निकाला, पाइप का वॉल्यूम को हाफ किया, हाफ की हुआ वॉल्यूम को जो पफ सपोर्ट का वॉल्यूम है उससे माइनस किया, तो अपने को जो पफ सपोर्ट का शेप है उसका पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, और बाद में जो पफ सपोर्ट है उसका वेट से जो वॉल्यूम मिला उसको डिवाइड करेंगे तो उससे अपने को डेंसिटी मिलेगा। इस तरह पफ सपोर्ट ऐसे लाइन में फिट होता है। आप देख सकते हो कि पफ सपोर्ट जो रहता है उसका वॉल्यूम निकालने के पहले क्यूब का वॉल्यूम निकाला, बाद में पाइप का वॉल्यूम निकाला, पाइप का वॉल्यूम को हाफ किया, बाद में पूरा जो सॉलिड क्यूब है उसमें से पाइप का हाफ वॉल्यूम को माइनस किया, और जो वॉल्यूम मिला उसको वेट से वेट और डिवाइड बाई वॉल्यूम किया तो अपने को डेंसिटी मिला। अभी डेंसिटी को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 × 1000 से मल्टीप्लाई किया तो सेमी जो है वो भी मीटर में हो जाएगा और अपने को डेंसिटी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि 150 से 160 रेंज में पफ सपोर्ट का डेंसिटी मिलना चाहिए, तो ये डायमेंशन की सबसे हमारा और वेट के हिसाब से डेंसिटी आप देख सकते हो कि 150 से 160 रेंज में है। ऐसे ही टेक्निकली वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।